बिग बॉस 14 की प्रतिभागी रह चुकी टीवी एक्ट्रेस जैस्मिन भसीन शो की एक दमदार प्रतिभागी थी और शो के खत्म होने के बाद भी फैंस के बीच जैस्मिन भसीन लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। वहीं जैस्मिन अभी अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने बॉयफ्रेंड एलिगोनी के साथ बिता रही है। बिग बॉस के घर में एली और जैस्मिन की बॉन्डिंग पहले से और स्ट्रॉन्ग हो गई थी। वहीं पिछले दिनों जम्मू में जैस्मिन ने एली के बर्थडे का ग्रैंड सेलिब्रेशन किया और जैस्मिन ने एली के परिवार वालों के साथ भी एक अच्छा वक्त बिताया। लेकिन शो के खत्म होने के बाद भी सोशल मीडिया पर जैस्मिन और रुबीना का वॉर खत्म नहीं हो रहा है और ये वॉर जैस्मिन और रुबीना नहीं कर रहे हैं बल्कि इनके फैंस के बीच शीत युद्ध चल रहा है और ये वॉर जैस्मिन और रुबीना नहीं कर रहे हैं बल्कि इनके फैंस के बीच शीत युद्ध चल रहा है और अब इसे खत्म करने के लिए जैस्मिन ने अपने एक पोस्ट से सोशल मीडिया पर सबसे निवेदन किया है। दिल से दिल तक एक्ट्रेस ने अपने पोस्ट में फैंस के असीम प्यार और समर्थन का धन्यवाद कहा है। जैस्मिन ने लिखा है कि मैं जानती हूँ कि मेरे फैंस मुझसे बेइंतहा प्यार करते हैं जिस कारण हर दिन मुझे खुशियों से भरा पॉजिटिविटी मिलती है। बिग बॉस की इनक्रेडिबल जर्नी मेरी अब खत्म हो गई है लेकिन अब मैं चाहती हूँ जो हुआ अब वो खत्म हो जाना चाहिए जिसे इग्नोर करके हम फैल रही नेगेटिविटी को खत्म कर सकते हैं क्योंकि जब तक हम इन सब से उभरेंगे नहीं तब तक खुशी का माहौल नहीं बनेगा और अब हम सबको इन सब से आगे बढ़ना चाहिए और आगे बढ़ना और ऊंची उड़ान भरना ही अब जरूरी है। वैसे शो के दौरान और शो से बाहर जैस्मिन ने रुबीना दिलैक और अभिनव शुक्ला के बारे में कई सारी बातें कही थी जहां जैस्मिन ने कहा था कि अभिनव शुक्ला और रुबीना दिलैक सबसे चालाक है और उनके इस गेम के लिए उन्हें फुल मार्क्स दिया जा सकता है क्योंकि उन्हें अपनी बातों से लोगों का दिल जीतना बहुत अच्छे से आता है। वहीं जैस्मिन ने रुबीना को फेक भी कहा था जो गलत बातों से सिचुएशन को अपने फेवर में कर लेती है और जैस्मिन के इन्हीं सब बातों के कारण सोशल मीडिया पर फैंस का गुस्सा खत्म नहीं हो पा रहा है।